जैसे कि आप लोग को पता होगा कि झारखंड में प्रैंक चैनल पहले नहीं था, तो मुझे आइडिया है कि हम लोग प्रैंक चैनल स्टार्ट करें, और आप लोग के सपोर्ट और प्यार से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, और अभी हम लोग के 10K सब्सक्राइबर हो गए, और आगे भी आप लोग ऐसे सपोर्ट और प्यार करते रहिए। जैसे कि मैंने कहा था कि 10K सब्सक्राइबर कंप्लीट होने पे हम लोग Q&A वीडियो शूट करेंगे, तो Q&A वीडियो ये रहा। नशा करने से हो जाएगा कैंसर, हम देंगे आप सबके क्वेश्चन का आंसर। सो है एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग? तो कैसे हैं आप लोग? और मैं बहुत दिन के बाद भाई, आप लोग का संदीप बहुत दिन के बाद आया है। तो चलो आज हम लोग का जो क्वेश्चन और आंसर वाला जो राउंड है, आज मेरे से शुरू करते हैं, ठीक है? जनक भाई साहब है, वो पूछते हैं कि यूट्यूबर बन के आपको कैसा लग रहा है। तो यूट्यूबर, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा, नहीं बिल्कुल नहीं, ये मेरा आंसर नहीं है। यूट्यूबर बनके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा ही लगता है। अगर आप, मैं तो सपोज मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, तो अगर स्टूडेंट के साथ साथ कोई दूसरा फेम मुझे मिल जाए तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है। आप भी स्टूडेंट हो, अगर आपको भी कुछ ऐसे नया कुछ अच्छा फेम मिल जाए तो आपको भी लगेगा ना। ऐसे जनरली देखा जाए तो यूट्यूबर बनके मुझे लाइक सॉरी मैंने नीचे नहीं पहना, ठीक है, गौर मत करना। हाँ आज तो वीडियो आ गई है, कल वीडियो में कम से कम 2 लाख व्यू तो चलेगा। सॉरी ये ओवर हो गया। सॉरी है आकाश महतो, ये भाई हमसे पूछता है भाई इनकम कितनी है। अब इस बंदे को क्या बताएं भाई, इनकम इतनी है कि आप लोगों का सवाल का जवाब देना पड़ रहा है। फिलहाल इनकम तो बहुत ज़्यादा है, अकाउंट्स भी हैक हो जा रहा हम लोग का, और फिलहाल अभी अकाउंट चेक भी नहीं कर पा रहे हैं, तो सो अकाउंट चेक करके बता दूंगा इनकम कितनी हो रही है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मैं सीएम के प्रैंक से कहाँ मिली। तो मैं सीएम के प्रैंक से एक ओपन माइक शो था, वहाँ पर मिली थी। जो सीएम के प्रैंक के मेन हेड है मनीष सर, वहाँ पर उन्हें एज अ चीफ गेस्ट बुलाया गया था, तो मैं उनसे वहीं पर मिली। तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो है जो मुझे पता था कि बहुत लोगों से पूछा जाएगा, तो ट्विंकल ने ये क्वेश्चन मुझसे पूछा है, खुशबू तुम प्रैंक करते वक्त कितने लोग ऐसे हैं जो कंफ्यूज जाते हैं कि तुम लड़का हो या लड़की। तो हाँ ये बात सच है, बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं मैं लड़की हूँ या लड़का। अक्सर लोग मतलब लास्टली जब प्रैंक हो जाता है तब वो हमसे पूछने आते हैं कि एक्सक्यूज़ मी आप लड़की हो या लड़का। तो ऐसा बहुत बार हुआ है, इनफैक्ट जो अभी मेरी को पार्टनर है जो प्रैंक शूट करती है हमारे साथ स्वास्थ्य का, वो खुद कंफ्यूज हो गई थी कि मैं लड़की हूँ या लड़का। ऐसा सिद्धांत भाई की तरफ से कि न्यू वीडियो कब आ रहा है? तो न्यू वीडियो हम लोग का लॉकडाउन के बाद ही आएगा, क्योंकि लॉकडाउन के पहले तो पॉसिबल नहीं है, सब सारा पार्क बंद है, तो हम लोग वीडियो बना नहीं पाएंगे, और हम लोग अभी सेफ रहना है, घर पे रहना है, तो वीडियो का अभी कोई चांस नहीं है। अगर हम लोग का पॉसिबल होगा तो हम लोग घर से कोई कोई प्रैंक बनाकर अपलोड करेंगे। फ्रॉम अननोन, किसी ने पूछा है कि आपके ग्रुप में एंट्री कैसे हुई? मेरे साथ प्रैंक हुआ था, खुशबू ने किया था, मैंने उस वीडियो में कमेंट किया, उधर से रिप्लाई आया, इफ़ यू वॉन्ट यू कैन ज्वाइन अस। देन आई थॉट ये भी कर लिया जाए। हे राम, ये नरिंदा कितना झूठ बोलता है, सेठ जी इसको पूछो। सो इस तरह से मैं उन लोगों से मिली, फिर मैंने ज्वाइन कर लिया। तो रंजना साहू कहते हैं कि चैनल शुरू करने का आइडिया और इंस्पिरेशन कहाँ से आया? तो मेरा एक दोस्त का यूट्यूब चैनल है, वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला, और मेरे घर में एक कैमरा रखा हुआ था, तो वहाँ से मुझे आइडिया आया कि एक कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, इसलिए मैं यूट्यूब पे आ गया। निधि का वो पूछते हैं मुझे कि आपका सबसे अच्छा रोस्ट एक्सपीरियंस ड्यूरिंग प्रैंक, ठीक है? तो मेरा सबसे रोस्ट एक्सपीरियंस कभी ऐसा हुआ है कि कोई वीडियो बनाए और मेहनत बर्बाद हो गया? हाँ हुआ है भाई, एक बार हुआ है, सॉरी भाई नहीं सॉरी, हाँ हुआ है एक बार, जब हमने एक बेगर वाला ही एक प्रैंक बनाया था, ठीक है, बेगर का कॉन्सेप्ट था उस पर। तो वो अभी भाई कॉन्सेप्ट पूरा बताऊंगा नहीं, वो कभी आएगा जरूर, ठीक है, आप देखना। तो वो हमने बनाया था और हमारा शूट भी पूरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन जब आफ्टर ऑल जब हमने चेक किया कि हमारा जो ऑडियो होता है ना, ऑडियो जो रिकॉर्ड किया था माइक पे, वो पूरी तरीके से बर्बाद था। आई मीन ये बोलने का है कि
जो हमने रिकॉर्ड किया था तो जो माइक था वो सही से काम नहीं कर रहा था। रिकॉर्ड तो हुआ बट उस तरीके से नहीं हुआ कि जिसे हम एडिटिंग कर सकें, तो हमारा वो बर्बाद हो गया था। तो बहुत बुरा लगा था कि इतना मेहनत किए हम लोग और खराब लग गया। और कभी ऐसा हुआ है कि कोई प्रैंक करते टाइम हंसी आ गया हो और वो समझ गया हो? फिलहाल तो मैंने सीएम के प्रैंक के थ्रू एक ही वीडियो शूट किया है, वो भी रैंडम वीडियो, तो उसमें फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मुझे हंसी आई थी। बट सामने वाला थोड़ा थोड़ा उल्लू था तो वो समझ नहीं पाया कि मैं हंस रही हूँ। मैंने कुछ बहाना बना के टाल दिया था तो उससे मेरी वीडियो खराब नहीं हुई थी और उसे पता भी नहीं चला था। पूछते हैं जिसन रंगरेज भाई को रंगरेज बोले या अंग्रेज बोले, पर बंदा मस्त है। ये पूछता है पहला सवाल, भाई तेरी शादी क्यों नहीं हो रही है? अब इस भाई को कैसे बताएं, भाई शादी कर लेंगे तो फिर तुम लोग को हंसाएगा कौन? प्रैंक भी तो करना जरूरी है ना। रही शादी की बात तो अपनी वाली से सेटिंग करा दे, अभी कभी शादी कर लेंगे। छोड़ा टा, बुरा मत मानना। आप सीएम के प्रैंक से कब मिले? कब मिले? मुझे पता है मैं कब मिला। देखो सीएम के प्रैंक्स, देखो ये चैनल जो है ये बनने से पहले मैं मनीष को जानता था, ठीक है? हम लोग दोनों एक ट्यूशन में मिले, वो भी मैथ का स्टूडेंट है, मैं भी मैथ का स्टूडेंट हूँ, तो हम लोग मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे मिले थे। और उस समय ऐसा कुछ नहीं था कि ये यूट्यूब करना है या कुछ भी, तो ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, ठीक है? तो शुरुआत में ये अपना टेक्निकल वीडियोज बनाता था, फिर कुछ टाइम के बाद इसको प्रैंक करने का आइडिया आया कि नासी में ऐसा कुछ जनरली होता नहीं है, तो इस फील्ड को लेके ये आगे बढ़ा, ठीक है? तो शुरुआती में तो मैं इसके साथ नहीं था, ठीक है? क्योंकि उस समय मैं कुछ अलग दौर से गुजर रहा था, मैं अपना मतलब कुछ अलग सिचुएशन में फंसा हुआ था, ठीक है? तो मैं उस समय इस चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, ये मेरे को बोला भी था उसमें, बट मैं इन्वॉल्वमेंट अपना नहीं दिखाया था। फिर मेरा जब वो जो मैं कर रहा था, कुछ तैयारी कर रहा था मैं, वो जब खत्म हो गया तो उसके बाद मेरे को टाइम मिल गया, तो उस समय फिर इसने मुझे मतलब ये जो प्रैंक करता था तो ये मेरे को वीडियो भेजता था, देखता था ये देखो कैसा, तो मैंने भी कुछ सजेशन दिया। एंड देन आफ्टर वी मीट एथेरियम टावर, एंड हमने उस दिन फिर हमारा जो पहला इसके साथ मेरा जो इसके साथ जो टीम वाला पहला प्रैंक था वो था हमारा सैल्यूट प्रैंक, ठीक है? तो आप देख सकते हो, हमारा तो लिंक मतलब चैनल पे है ही, तो आप जाकर देख सकते हो। दीपक कहते हैं कंसिस्टेंस का राज बता दो ब्रो। तो हम लोग जैसे जैसे वीडियो अपलोड करते गए और आप लोग का रिस्पांस अच्छा आता गया, इसलिए हम लोग और वीडियो अपलोड करने का इंस्पिरेशन मिला, और बस यही है कंसिस्टेंस का राज ब्रो। ये वीडियो बनाते हो तो कभी ऐसा हुआ है कि आप वीडियो बना रहे हो और अपना माइक ऑन करना भूल गए हो, उस टाइम आपको कैसा महसूस होता है? ऐसा एक्चुअली मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है कि प्रैंक शूट करे, आधा से ज़्यादा प्रैंक शूट हो गया, उसके बाद मुझे याद आता कि यार माइक तो ऑन ही नहीं था। बहुत बार मुझे इसके चलते मनीष से डांट पड़ा है, मतलब हर बार ही लगता है, मेरे को लगता है कि 5 बार में 3 बार मैं माइक ऑन करना ही भूल जाती हूँ, और इसको लेके हमारे क्रू मेंबर को बहुत सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। फ्रॉम लवली, बाइक चोर वीडियो में आप चोर क्यों बने थे? आप तो बहुत क्यूट हो। थैंक यू। चोर इसलिए बनना पड़ा था क्योंकि हाँ शायद क्यूट हूँ मैं, तो मनीष को लगा होगा कि ज़्यादा लोग भड़केंगे नहीं क्यूट लड़की को देख के, इसलिए मुझे बनना पड़ा। थैंक यू। राहुल आरती की तरफ से, आप लोग इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से लाते हो कि सामने वाला रेस्पॉन्स अच्छा देगा? तो हम लोग को कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है, अगर कॉन्फिडेंस नहीं लाएंगे भाई तो फिर क्या होगा ना, वीडियो में वो पता चलेगा कि कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लगेगा वीडियो, और जो आगे का जिसके साथ प्रैंक कर रहे हैं ना तो वो भी पता, उसको भी पता चल जाएगा कि हम लोग मतलब मजाक कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है कि रियल लग रहा हो। अगर वैसा नहीं लगेगा ना, आप लोग को भी अच्छा नहीं लगेगा और हम लोग को भी प्रैंक करने में अच्छा नहीं लगेगा। सीएम के प्रैंक का हर टॉपिक आप लोग मिल के सोचते हो कि बस मनीष सर डिसाइड करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। मनीष सर ने हम लोगों को बोल रखा है कि टॉपिक कोई भी डिसाइड कर सकता है, इनफैक्ट आप लोग भी टॉपिक अगर चाहो हमसे शेयर करने का तो वो आप इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हो। सीएम के प्रैंक का एक पेज है इंस्टाग्राम पे, आप वहाँ पर मनीष सर को आप मैसेज कर सकते हो और अपने आइडियाज़ बता सकते हो, टॉपिक बता सकते हो। अगर वो आइडियाज़ हमें पसंद आएंगे तो हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो ऐसा कुछ है नहीं कि मनीष सर ही डिसाइड करते हैं, हाँ लेकिन डिसाइड करने की बात हुई तो टॉपिक हर कोई शेयर करता है, अपने अपने जिसको जिसको जो टॉपिक समझ आता है सबको शेयर करता है, लेकिन कौन से टॉपिक पे हम वीडियो शूट करेंगे वो मनीष सर डिसाइड करता है। उसरा जी पूछते हैं कि ऐसा करके कितना कमा लेते हैं?
देखो हमारा जो मेन मोटिव है वो हंसाना है, ठीक है। कमाने का जो है वो हम लोग जनरली सोच के नहीं चले थे जब बनाने की कमाना है चलो इसलिए यूट्यूब में आते हैं और कुछ करते हैं। कमाने का कोई हम लोग का पर्पज नहीं है, हाँ ये एंटरटेन करने के लिए बनाया है। क्रिएटर बनना चाहते हो यूट्यूब पे तो आप भी अपना यूट्यूब चैनल आप स्टार्ट कर सकते हैं, और शुरुआत में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमने भी इसी तरीके से मेहनत किया था, 100 सब्सक्राइबर, 200, 150, 300, 1000, 2000 ऐसा करते करते हम आज 1 साल 4 महीना 21 दिन में हमने कितना 10K हम लोग सब्सक्राइबर प्राप्त कर लिए हैं। तो आप भी कर सकते हो, होप मत खोना, ठीक है। बस पेशेंस रखना और अपना मेहनत करते रहना। अगर आप नया यूट्यूब में आना चाहते हो, कुछ आपके पास क्रिएटिविटी है, कुछ टैलेंट है, तो आप उसे लेकर आप यूट्यूब में जरूर आ सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा माध्यम है किसी का टैलेंट को बताने का, ठीक है। चिंटू मस्ती कहते हैं कि कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं, तो हम लोग D3400 यूज़ करते हैं और माइक हम लोग बोया बाय M1 यूज़ करते हैं, और हम लोग एडिटिंग के लिए हम लोग काइन मास्टर यूज़ करते हैं। तो हमारा अगला सवाल था कौशिक के भाई की तरफ से, कौशिक भाई की तरफ से, आप लोग कौन सा कैमरा यूज़ करते हैं और वीडियो एडिटिंग कौन करते हैं? तो हम लोग कैमरा यूज करते हैं निकॉन D3400 और हम लोग के वीडियो एडिटिंग मास्टर है मनीष भैया, काफ़ी अच्छा एडिटिंग करते हैं। भाई प्रैंक स्क्रिप्टेड होता है क्या? भाई प्रैंक स्क्रिप्टेड होता ना तो आप लोगों को पता चल जाता। आप स्क्रिप्टेड प्रैंक देखते होंगे, बहुत सारा यूट्यूब पे बहुत सारा चैनल है जिस पर प्रैंक दिखाया जाता है, पर वो सारे स्क्रिप्टेड होते हैं। आपको सीधा पता चल जाएगा उसका कैमरा का रिकॉर्डिंग से और पब्लिक से सारा से पता चल जाता है कि प्रैंक स्क्रिप्टेड है। पर हमारे प्रैंक आप सारा वीडियो जाकर शुरू से चेक कर सकते हैं, एक भी प्रैंक स्क्रिप्टेड नहीं है। तो इस वीडियो को हम लोगों ने बहुत मेहनत से और अपने अपने घर पे ही शूट किया है और एडिटिंग वगैरह सब अपने घर पे ही हुआ है, खुद से मनीष ने ही ये सब कुछ किया है। और हमारा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। और आई होप आप लोग सब ठीक होंगे।